नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़ खबर फरुखाबाद की दुनिया तक। ग्राम करीमगंज में किया गया कोटे का चुनाव। कोटे का चुनाव शांतिपूर्ण समूह द्वारा हुआ। एडीओ पंचायत व सचिव ने संभाली कमान। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। थाना जहानगंज के ग्राम करीमगंज में कोटे का चुनाव समूह द्वारा कराया गया। ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया। एडीओ पंचायत व सचिव अरुण यादव के नेतृत्व में चुनाव कराया गया, जिसमें सभी नियम व शर्तों को ध्यान में रखते हुए आलिया बेगम पुत्री आकिल खां विजयी रहीं। तो आइए देखते हैं आगे की खबर हमारे संवाददाता सद्दाम खां के साथ। और दोस्तों, मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में, किसी और समस्या को लेकर, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद। यहाँ क्या बुलाए ये लोग? बुलाए तो ये एक साथ रहेंगे तो आरक्षण स्पष्ट नहीं है, समूह से इसमें चिपका हुआ है। समूह में लिखा है कि समूह में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या 50% से अधिक सदस्य जिस वर्ग के रहेंगे, एक समूह में 50% से अधिक समूह उस वर्ग के होने चाहिए, वो है उसमें, ठीक है, उसमें 73% है। तो गणना आरक्षण की स्थिति में अब उसी के वर्ग में की जाएगी, तो दोनों में 50% से अधिक आरक्षण है, दोनों समूह में 50% से अधिक है, मतलब एक 60% है, एक 73% है, तो जो 73%